नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज राजनीतिक से संबंधित सामान्य ज्ञान के जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग ऑब्जेक्टिव रूप में देखेंगे। इसे चाहे आप लोग पॉलिटिकल जीके कह लो या फिर राजनीतिक से संबंधित जो आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ तो आप लोगों को बता देना है। 27 सितंबर 1925 को, कब? RSS जो अभी चर्चा में रहता है ना, इसी की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 को। क्वेश्चन है दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय आपका नागपुर में है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका तीसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था? तो याद रखिए, केशव बलिराम हेडगेवार। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका फोर्थ, क्वेश्चन चौथा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता बीजेपी की स्थापना कब हुई? तो याद रखना है 6 अप्रैल 1980 को। कब? 6 अप्रैल 1980 को। क्वेश्चन पांचवा, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है 21 अक्टूबर 1951 में। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है छठवां, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? बीजेपी का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना, न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन है हमारा सात, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो याद रखना है आपको, क्या है? कमल। ठीक है, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो याद रखना है 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन है नौवां, भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री का मंत्री हैं कौन से थे? भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन थे? भीमराव अंबेडकर साहब। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है दस, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या हो? तो याद रखना 25 वर्ष, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन है 11, क्या है? राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम या अल्पतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो याद रखना, इसमें होना चाहिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, याद रखिए। क्वेश्चन है 12, योजना आयोग कब बनाई गई थी? योजना आयोग आपकी 1950 में बनाई गई थी। क्वेश्चन है 13, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किस किससे हुआ है? योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके कौन सा एक आयोग आया है? तो आपको याद रखना, नीति आयोग। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 14, नीति आयोग कब बनाई गई? नीति आयोग आपकी 1 जनवरी 2015 में बनाई गई। याद रखना, इसे बहुत बार पूछ लेता है, नॉर्मल क्वेश्चन है और आपसे गलत हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाई गई। क्वेश्चन है हमारा 15, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया? तो याद रखना 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चालू किया गया था, गांधी जयंती। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 16, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? निर्मल भारत अभियान कब चलाया गया? 1999 में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 17, आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ? आजाद हिंद फौज आपकी 1942 में सक्रिय हुई। क्वेश्चन है अगला 18,
राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? राष्ट्रीय विकास परिषद आपकी अगस्त 1952 में बनाई गई। ठीक है, क्वेश्चन है 19, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण घटना से माना जाता है। क्वेश्चन है हमारा 20वां, क्या है? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना, महात्मा गांधी जी द्वारा। ये कई बार पूछ लेता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन है 21, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन है 22, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन है 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ठीक, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 24, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 25, क्या है? किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? किसने कहा था? तो याद रखना, कोपलैंड ने। क्या कहा था? गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 26, क्या है? महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने 1933 में किया। कब? 1933 में। क्वेश्चन है हमारा 27, क्या है? रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रोलेट एक्ट आपका 1919 में पारित हुआ। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 28, स्टेफोर्ड किस समूह का क्या था ये? तो याद रखना, लेब किसका था? लेबर पार्टी। क्वेश्चन है हमारा 29, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? सिंगापुर से। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 30, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 31, क्या है? गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो याद रखना, चंपारण में। ठीक है, कहाँ? चंपारण में। क्वेश्चन है हमारा 32, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया? 1942 में। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 33, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? किसका कथन है? तो याद रखना है, लोकमान तिलक का। ठीक है, 34 क्वेश्चन, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? मोतीलाल नेहरू ने। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 35, नमक सत्याग्रह नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन से गांधी जी से जुड़े हैं? सरोजिनी नायडू। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 36, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? याद रखना, दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन है हमारा 37, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये किया गया था रिपन द्वारा।
क्वेश्चन है हमारा 38। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की थी? तो याद रखना, फॉरवर्ड ब्लॉक की। क्वेश्चन है हमारा 39। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, कब किया गया था? 1917 में। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 40। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था यंग इंडिया, बी ऑप्शन सही है। 41। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे? शाहनवाज खान, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 42। मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ नहीं है, यह किसने कहा था? ये कहा था आपके चर्चिल ने। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 43। वोट डालो और राज करो की नीति अपनाई लॉर्ड कर्जन ने। वोट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन है हमारा 44। क्या है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये था आपका सैन फ्रांसिस्को में। क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 45। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? तो याद रखना, 1939 में। ठीक है, क्वेश्चन है 46। किन राष्ट्रीय नेता को लोक हितवादी कहा गया है? किन राष्ट्रीय नेता को लोक हितवादी कहा गया है? गोपाल हरी देशमुख को। क्वेश्चन है हमारा 47। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? चंपारण से, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 48। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एटली, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 49। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित था? ये था आपका प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 50। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 51। क्या है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? तो याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को आरंभ किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने। क्वेश्चन है 52। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा एस सी बोस ने दिया था। क्वेश्चन 53। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो याद रखना, चोरी चोरा, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 54। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? सीमांत गांधी आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। क्वेश्चन है 55। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी आपकी एनी बेसेंट। क्वेश्चन है हमारा 56। केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये आपके 352 से 356 तक। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 57। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है जाति, धर्म और राष्ट्रहित, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 58। गोवा भारतीय गणतंत्र का हिस्सा कब बना? तो याद रखना, पुर्तगालियों ने सबसे पहले गोवा भारत आए थे और सबसे बाद में भारत को छोड़कर गए 1961 में, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 59। क्या है,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में संवर्ती सूची में रखा गया है? तो याद रखना, संवर्ती सूची में आपका जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन रखा गया है। क्वेश्चन हमारा 60 क्या है? निम्नलिखित में कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? तो याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 61। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो याद रखना, संघीय मंत्रिमंडल। किसके? संघीय मंत्रिमंडल के। क्वेश्चन है हमारा 62। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने। क्वेश्चन 63 क्या है? स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? पंचायत समिति के। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 64। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 65। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? नियम निर्धारण पर। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन अगला हमारा 66। लोकप्रिय प्रभु सत्ता का समर्थन किया था? टीएच ग्रीन ने। क्वेश्चन है 67। किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? अमेरिकी संविधान। क्वेश्चन है हमारा 68। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन हमारा 69। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? विधानसभा भंग करने की है, विधानसभा स्थगित करने की नहीं है, विधानसभा बुलाने की, विधानसभा का सत्तावसान करने की। तो इसमें होगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है, 69 का बी। क्वेश्चन है 70। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी आपकी सुनंदा भंडारी। क्वेश्चन है हमारा 71। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष आपके श्री ओम बिरला साहब। क्वेश्चन है 72। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन है आपका 73। पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? 1956 में। पुदुचेरी को भारत में सम्मिलित किया गया 1956 को। क्वेश्चन है आपका 74। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो याद रखना, नियम समिति का। क्वेश्चन है 75 क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। क्वेश्चन है 76। राज्यसभा कब भंग होती है? राज्यसभा कब भंग होती है? तो याद रखना, राज्यसभा एक स्थायी सभा है, ये कभी भंग नहीं होती है, ठीक। क्वेश्चन है 77। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। क्वेश्चन है 78। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं
समस्त देशवासियों को। क्वेश्चन है आपका 79, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना फजल अली, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष आपके फजल अली थे। क्वेश्चन है 80, 17वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो याद रखना 84, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 81, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना संसद की संयुक्त बैठक को बुलाता है कौन? राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 82, क्या है भारत गणतंत्र कब बना? भारत गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना था। क्वेश्चन है 83, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? ये किए गए आपके 1976 में, मौलिक कर्तव्य आपके 1976 में सम्मिलित किए गए। ठीक है, क्वेश्चन है 84, कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? तो याद रखना धारा 330 332। क्वेश्चन है 85, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो याद रखना 33%, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 86, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है? याद रखना लोकसभा को। क्वेश्चन है हमारा 87, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं? याद रखना राष्ट्रपति, कोलिजियम व्यवस्था के तहत। ठीक है, सॉरी, अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कोलिजियम के तहत करता है और उच्च न्यायालय पूछा है तो इसमें भी राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है अनिवार्य? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 89, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? राज्य का घटक आपका जनता है, भूभाग है, शासन है, लेकिन सत्ता नहीं है, तो इसमें क्या होगा? सत्ता। क्वेश्चन हमारा 90, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है धर्म विरहित राष्ट्र, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 91, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है शासन, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 52, सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक समता से आपका समाज में भेदभाव ना हो, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 93, किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? तो याद रखना नैसर्गिक एवं अंगीकृत। क्वेश्चन है हमारा 94, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है, सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार है, मतदान का अधिकार है, चुनाव में सहभागिता का अधिकार है। ठीक है, तो आपका 94 में सी होगा। ठीक है, 95, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? तो याद रखना उपराष्ट्रपति के। क्वेश्चन है 96, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? याद रखना 8वीं में। क्वेश्चन है हमारा 97, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता था आपका प्रधानमंत्री, लेकिन आपको पता है नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन है 98, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? इंदिरा गांधी जी का, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 99, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है?
याद रखना मौलिक अधिकार, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 100वां, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो चलिए ये थे आपके 100 क्वेश्चंस, सब क्वेश्चंस महत्वपूर्ण, 101 से हम लोग आगे बात करेंगे।